हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार साह। स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के दोस्तों वीडियो में बताऊंगा कि आप ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सरकारी फास्ट आपको अपने गूगल पे टाइप कर लेना, एंड टाइप करने के बाद यहां पर सबसे फास्ट में ही सरकारी फास्ट आ जाएगा। तो सरकारी फास्ट डॉट ब्लॉग स्पॉट करके ये वेबसाइट का लिंक, जो कि ऑफिशियल सरकारी फास्ट का वेबसाइट है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाना आपको। तो जहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड काफ़ी सारी नोटिसन वगैरह मिलते रहती है दोस्तों। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं, एंड जाके फर्स्ट और सेकंड चैनल जो है हमारा उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको एक्शन फाइल पे क्लिक कर लेना दोस्तों, एंड एक्शन फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, एंड यहाँ पर CSC UN लेबर कार्ड ई श्रम कार्ड कैसे बनाए आपको इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो है कुछ पेज इस तरह से खुल जाएगा, जहाँ पर आप CSC UN कार्ड के बारे में, यानी CSC लेबर कार्ड या ई-श्रम कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, CSC लॉगिन का, दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं CSC लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इसे मैं ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा खुल चुका है ई-श्रम कार्ड, एंड यहाँ पर UW रजिस्टर पर क्लिक करना दोस्तों। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके सेंड OTP पर क्लिक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं कर लेता हूँ ये काम। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंड कैप्चा कर लिया, एंड सेंड OTP पे क्लिक कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर OTP वेरीफाई करना है। चलिए दोस्तों, मैं OTP वेरीफाई कर लेता हूँ, एंड करने के बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो आधार नंबर आपको फिल कर लेना, साथ ही साथ यहाँ फिंगरप्रिंट, आईरेज, OTP तीन ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें आपका आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तब भी आपका बन जाएगा दोस्तों, लेकिन आधार से लिंक है तो आप OTP वाला ही करिएगा, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं OTP बेस कर लेता हूँ। अगर आपका नहीं है तो फिंगरप्रिंट भी चूज कर सकते हैं आधार से, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो। तो यहाँ पर मैंने OTP फिल कर लिया, एंड सबमिट कर लिया। यहाँ पर कुछ डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा था दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो ऑप्शन आता है यही आता है अकाउंट एंड स्किल का, जहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है आपको प्राइमरी अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसके नीचे में क्लिक टू व्यू NOC कोड करके है दोस्तों, तो आपको ये पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है मैंने फिल कर लिया, जो एजुकेशन या एड्रेस डिटेल्स ये सब भी आसानी से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्लिक टू व्यू NOC कोड लिस्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो मैं दिखा दूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते एक नया पेज खुल गया है, जहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आप काम करते हो उसके रिलेटेड पूरी सूची बनी हुई है, जहाँ पर आप जो भी काम करते हो, ड्राइवर हो, किसान हो, मोची हो, दुकानदार हो, या फिर जो भी हो आप काम करते हो, उसकी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। उसके सामने एक कोड है, एंड बगल पे इंग्लिश में लेटर भी लिखा गया दोस्तों, जो कि आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको सेम कर लेना है, एंड वही मेरे को मैंने टाइप कर लिया, क्योंकि जिसका मैं बना रहा हूँ वो ड्राइवर है। तो यहाँ पर कार, टैक्सी एंड वैन ड्राइवर कर लिया। अब एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, तो एक्सपीरियंस मैंने डाल लिया, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर इसे आपको वही मैच करके आपको यहाँ पर फिल करना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा था, आपको बैंक डिटेल्स जो है फिल कर लेना था, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नाम, एंड जो भी है वो सब आपको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी दोस्तों, आने के बाद आपको टिक करना एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना दोस्तों। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका UN कार्ड या लेबर कार्ड या ई श्रम कार्ड जो भी बोलो वो आपका बन जाता है दोस्तों चुटकियों में दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी है, आप जिसे डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर खुद बना रहे तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप ई श्रम कार्ड आसानी से बना सकते हैं बिना किसी एरर के, और अच्छी खासी आप यहाँ पर ही अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस तरह के नए वीडियोज मैं आप तक लाता रहूँ। और अभी तक हमारे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हैं।